नमस्कार फ्रेंड्स, युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मशरूम की बुवाई करते समय किन किन बातों का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में अपने जो है सेड के लिए स्पॉनिंग करते हुए भी दिखाएंगे, और फ्रेंड्स जो जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर बुवाई के समय, वो भी इस मौसम में। जैसे आज जो तारीख है वो 5 जुलाई है और हमारे यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है बुवाई करते समय, इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आशा है आप वीडियो को लास्ट तक देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारी जो है लेबर लगी हुई है और वो ये स्पॉन मिक्स हुए कंपोस्ट को बैगों में भर रही है। फ्रेंड्स, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, सबसे पहले तो जो कंपोस्ट है उसको फैला लें किसी भी पक्की जगह पर, और फैलाने से पहले उस पक्की जगह को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लें फार्मेलिन और बावस्टीन के थ्रू। और फ्रेंड्स, जो कंपोस्ट का टेम्परेचर होता है वो इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर को बिल्कुल ही जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर ले आएं, किसी पंखे की मदद से कंपोस्ट को ठंडा कर लें। जैसा आपको भी वीडियो में दिख रहा है कि हमने पूरे कंपोस्ट को फैला करके अच्छी तरह से ठंडा करा हुआ है, तब हम इसके बैग भर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बैग हैं इन्हें साथ के साथ हम शेड के अंदर भी पहुंचा रहे हैं। अगर कंपोस्ट ज़्यादा गर्म है तो इस तरह के बड़े पंखे की सहायता से भी आप जो अपने कंपोस्ट को ठंडा कर सकते हैं। हमने भी इसी का इस्तेमाल करके इसको ठंडा किया है। एक बार ठंडा करने के बाद फिर आप इसकी जगह किसी छोटे पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हमारा पीछे एक छोटा पंखा चला हुआ है, इसको हम हर 10 या 15 मिनट चलाने के बाद बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आगे आप देखो वीडियो में कि किस तरह से हमने अपने बैग हैं जो इनको साथ के साथ ट्रांसपोर्ट करके अपने शेड के अंदर जमा रहे हैं। ये हमने अपने शेड के अंदर सबको रख दिया है, और फ्रेंड्स पीछे हमारी बुवाई भी चल रही है और साथ के साथ हमारे बैग, 3 लेबर हमारे बैगों के ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई है जो वहाँ से और शेड के अंदर बैग को लेके आ रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होता है कि आपके जो बैग का टेम्परेचर है तो वो बिगड़ता नहीं है, और जो बैग हैं वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई मोल्ड वगैरह नहीं लगती है। और फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी रैक में जो बैग है कितनी अच्छी तरह से रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे रैक हैं ये हमने बांस और रस्सियों की मदद से बनाई हुई है। हमने इसके अंदर कहीं भी सरिये या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखें कि बैगों को भरने के बाद जो बैग हैं उन्हें ऊपर से दबा दें। ये हमारी रैक हैं, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, और लगभग एक रैक में हमारे 300 बैग के करीब आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आप दी गई जानकारी समझ पाए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।